एवरीवन, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे थे टॉपिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, और हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुआ ऑन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखा था, स्टार्च टेस्ट एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये बताया गया कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट जरूरी है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट्स का, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, या हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे करके कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग बोलेंगे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, या हम लोग सिंपल बोल सकते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग देखो, ये एक्सपेरिमेंट होता क्या है। देखो, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस का बेसिक इक्वेशन क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल, ये सनलाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सनलाइट, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना रहा था, C6H12O6, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोल रहे थे या फूड बोल सकते हैं, और हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल बन रहा था, और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा था या एनवायरनमेंट में आ रहा था, ठीक है। यही बेसिक इक्वेशन है ना। तो हम लोगों ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में देखा था कि सनलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल होता है किसको कराने के लिए, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाने के लिए, या हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज या फूड को बनवाने के लिए। तो ये कैसे करके एसेंशियल है, ये एसेंशियल है, हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको हम लोग बोलेंगे मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, और ये बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एसेंशियल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें किया क्या गया, देखो क्या क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, हम लोग बोलेंगे प्लांट किया गया, ठीक है। ये मान लीजिए प्लांट है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये प्लांट का लीफ है, ठीक है, ये सनलाइट है। यहाँ पर क्या किया गया, एक कंटेनर लिया गया, क्या फ्लास्क लिया गया या बॉटल लिया गया, उस ये बॉटल का माउथ है, इसको हम लोग बोलेंगे लीफ में ऐसे करके फिट किया गया कि हम लोग बोलेंगे हाफ पोर्शन ऑफ द लीफ कहाँ पर है, हम लोग बोलेंगे फ्लास्क के अंदर, और हाफ पोर्शन ऑफ द लीफ कहाँ है, हम लोग बोलेंगे एनवायरमेंट में, ठीक है। और ये जो माउथ है बॉटल या फ्लास्क का, इसको एयर टाइट कॉर्क से फिक्स कर दिया गया, ताकि हम लोग बोलेंगे बाहर का कुछ भी एयर अंदर नहीं जा सके, ठीक है। अब ये फ्लास्क में लिया क्या गया था, हम लोग बोलेंगे ये फ्लास्क में क्या लिया गया था, हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन लिया गया था, उसको हम लोग बोलेंगे KOH सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखिएगा KOH सॉल्यूशन क्या किया करता है, तो यहाँ पर KOH सॉल्यूशन क्या करता है, फ्लास्क में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर देता है। मतलब हम लोग बोलेंगे KOH क्या करता है, इट विल एब्जॉर्ब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब KOH क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब यहाँ पर कोई भी, हम लोग बोलेंगे फ्लास्क के अंदर क्या नहीं है, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो इसमें होगा क्या, इसके बाद क्या किया गया, ये जो लीफ है इसको हम लोग बोलेंगे स्टार्च टेस्ट किया गया, किसके साथ, हम लोग बोलेंगे आयोडीन के साथ। तो क्या किया गया, इस लीफ को कट करके बाहर निकाला गया, देखो यहाँ पर ये लीफ को कट करके बाहर निकाला गया, ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन हम लोग बोलेंगे फ्लास्क के अंदर वाला पोर्शन है लीफ का, और ये वाला जो पोर्शन है, हाफ जो पोर्शन है, वो हम लोग बोलेंगे वैसा पोर्शन है लीफ का जो एनवायरनमेंट के, हम लोग बोलेंगे कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। तो हुआ क्या होगा, देखो हुआ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लीफ का वो पार्ट, लीफ का ये वाला पार्ट, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में है, ये पार्ट क्या किया है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस किया है, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जब इस लीफ में क्या डाला गया, जब इस लीफ में आयोडीन डाला गया, तो हम लोग बोलेंगे लीफ का वो पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गया, जो पार्ट क्या किया, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस किया। मतलब हाफ पार्ट ऑफ द लीफ, हम लोग बोलेंगे लीफ का जो कलर है वो किसमें टर्न हो गया, हम लोग बोलेंगे ब्लू ब्लैक कलर में, और हाफ जो पार्ट है लीफ का, ये वाला पार्ट ये हम लोग बोलेंगे आयोडीन टेस्ट स्टार्च टेस्ट विद आयोडीन के साथ जब किया गया, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला जो पोर्शन है इसमें कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ, देखो यहाँ पर ये जो हाफ पोर्शन है लीफ का, ये वाला हाफ पोर्शन है ये क्या किया होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या किया होगा, फोटोसिंथेसिस किया होगा। क्यों किया होगा, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट भी है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यहाँ पर वाटर भी है, यहाँ पर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल भी है।
तो ये हाफ जो लीफ है जो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, ये हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस किया है, ठीक है। क्या बना होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बना होगा, ये ग्लूकोज बना होगा। ये ग्लूकोज मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ग्लूकोज किसके किस फॉर्म में स्टोर होता है, हम लोग बोलेंगे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है लीफ में, ठीक है। अब ये स्टार्च को जब आयोडीन से ट्रीट किया गया, जब इसमें आयोडीन डाला गया लीफ में, तो जहां जहां स्टार्च बना है वहां वहां कौन सा कलर आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे ब्लू ब्लैक कलर आएगा। और वो ब्लू ब्लैक कलर कहाँ आएगा, हम लोग बोलेंगे लीफ के उस पार्ट पे आएगा जो पार्ट हम लोग बोलेंगे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में था, ठीक है। इसीलिए लीफ का हाफ पार्ट क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गया। और ये बता रहा है कि यहाँ पर क्या बना है, स्टार्च बना है। स्टार्च बना है मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे लीफ का हाफ पार्ट किसमें टर्न हो गया, ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गया। कब, जब इस लीफ को किसके साथ ट्रीट किया गया, हम लोग बोलेंगे आयोडीन के साथ ट्रीट किया गया, ठीक है। तो ये जो हाफ पोर्शन है जो लीफ का, जो हम लोग बोलेंगे फ्लास्क के अंदर था, देखो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन में देखो ध्यान से, आयोडीन टेस्ट करने के बाद भी कोई सा भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इस पोर्शन को सनलाइट तो मिल रहा था, इसके पास क्लोरोफिल भी था, लेकिन इसके पास वाटर भी था, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि KOH सॉल्यूशन जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिप्लीट कर दिया था, एब्जॉर्ब कर दिया था, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल इक्वेशन है वो हम लोग बोलेंगे वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से फूड नहीं बना। फूड मतलब ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना मतलब कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, कोई भी फूड नहीं बना। फूड नहीं बना मतलब ग्लूकोज नहीं बना, तो वो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं हुआ, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोलेंगे आयोडीन से ट्रीट करने के बाद में हम लोग बोलेंगे कोई सा ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, क्योंकि स्टार्च बनता तभी स्टार्च किससे रिएक्ट करता, आयोडीन से रिएक्ट करता और क्या देता, ब्लू ब्लैक कलर देता। क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, इसीलिए हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं हुआ, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं हुआ तो आयोडीन से भी ट्रीट करने के बाद भी हम लोग बोलेंगे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया लीफ के हाफ पोर्शन में, ये वाला। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इसेंशियल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ क्या चीज, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। और इसको हम लोग साइंटिस्ट के नाम से भी बोल सकते हैं, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हाफ पोर्शन हम लोग बोलेंगे कंटेनर के या बॉटल के फ्लास्क के अंदर था, जिसमें KOH सॉल्यूशन रखा हुआ था, और हाफ पोर्शन जो लीफ का था वो किसके कांटेक्ट में था, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकलती है, हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये तो पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। सनलाइट भी इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, हम लोगों ने देखा था। क्लोरोफिल भी इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये भी हम लोगों ने देखा था। इस पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसको हम लोग वेरिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट बोले, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर से रिलेटेड कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चार जो कंपोनेंट होता है या रॉ मटेरियल्स जो होता है फोटोसिंथेसिस का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट यही बताता है। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि वो साइंटिस्ट का फोटोसिंथेसिस में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं।